एक तरफ जहां यूपी सरकार सभी को सरकारी राशन पहुंचाने का दावा करती है, वहीं कुछ राशन डीलर की मनमानी के चलते ऐसी योजनाओं को पलीता लग रहा है। मैनपुरी के श्रृंगा नसीरपुर गांव के कार्ड धारक परेशान हैं, जिन्हें कई वर्षों से डीलर राशन नहीं दे रहा है। आरोप है कि संचालिका संगीता देवी अंगूठा लगवा लेती हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिलता है। शिकायत के बाद कोई अधिकारी जांच करने नहीं आता है, जिसके चलते ग्राम प्रधान के साथ सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि राशन डीलर को हटाया जाए। पूरा मामला मैनपुरी के विकास खंड बरनाहल क्षेत्र के ग्राम पंचायत श्रृंगा नसीरपुर का है। मामला ये है, संगीता यादव डीलर हैं, तो वो क्या करती है, अंगूठा लगवा लेती हैं और राशन नहीं देती हैं। और गाली गलौज जात सूचक गालियां देती हैं। तो अब क्या है कि लोग बाग जाते, अब जाना भी कुछ लोग बंद हो गए हैं, उनके राशन भी कट गए, अंगूठा नहीं लगाने जाते क्योंकि राशन वो रख लेती हैं। और जिसको अभी थोड़ा बहुत देती हैं वो 8 रुपया गेहूं और 9 रुपया चावल के हिसाब से देती है। राशन कार्ड वो देती नहीं है, मारने के सत्तर पर जाती है। 8 साल हो गए हमें दे नहीं विधवा। और आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, 8 साल हो गई। अनीता देवी है, वो गाँव वालों को राशन नहीं देती है। अंगूठा जाते हैं लगवाने तो अंगूठा लगवा लेती, फिर देखा जी आपका अंगूठा आया ही नहीं, और लोगों को भगा देती है। 2-4 लोगों को जो राशन देती है वो 8 रुपए किलो गेहूँ 10 रुपए किलो चावल देती है। हाँ जी, लोग आए हुए हैं श्रृंगा नसीरपुर के ग्रामवासी जी, और इन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है दुकानदार के खिलाफ, और इसकी हम जो जांच कराएंगे, और दुकानदार अगर दोषी हुआ तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी।